बचपन से स्कूल की किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि हिमालय देश का मुकुट है। हम टीवी और सोशल मीडिया पर इसकी खूबसूरती भी देखते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके ऊपर से उड़ान नहीं भरी जा सकती है। आप चाहकर भी इसके ऊपर से सफ़र नहीं कर सकते हैं। दरअसल हिमालय के ऊपर से किसी भी यात्री विमान के लिए कोई रूट निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। हिमालय का मौसम काफ़ी ख़राब रहता है और लगातार बदलता रहता है, जो विमानों की उड़ान के लिए अनुकूल नहीं होता है। वहीं बदलता मौसम विमानों के लिए खतरनाक होते हैं। यात्री विमान में लोगों के हिसाब से एयर प्रेशर सेट किया जाता है, लेकिन हिमालय में हवा की असामान्य स्थिति यात्रियों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। हिमालय की ऊंचाई सबसे बड़ा कारण है। हिमालय की ऊंचाई 23,000 फीट है, वहीं हवाई जहाज औसतन 30,000 से 35,000 फीट तक उड़ान भरते हैं, लेकिन हिमालय की ऊंचाई विमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल आपात स्थिति के लिए विमान में 20 से 25 मिनट का ऑक्सीजन होता है। आपात स्थिति में जहाज को 8 से 10,000 फीट पर उड़ान भरनी होती है ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो, लेकिन हिमालय में 20 से 25 मिनट के समय में 30,000 से 35,000 फीट से 8 से 10,000 फीट पर आना संभव नहीं है। हिमालय के इलाकों की एक और दिक्कत है, वहाँ नेविगेशन की उचित सुविधा मौजूद नहीं है। ऐसे में आपात स्थिति में विमान एयर कंट्रोल से संपर्क नहीं कर सकते। इसके अलावा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आसपास एयरपोर्ट भी नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिमालय के ऊपर विमान की उड़ान नहीं भरते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।